डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर देखने से पहले मैं एक बार दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा आप लोगों का ये पोर्शन कि इमीटर टर्मिनल की क्या प्रॉपर्टी है, बेस की क्या प्रॉपर्टी है एंड कलेक्टर की क्या, यानी कि जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो इमीटर, बेस एंड कलेक्टर किस प्रोपोर्शन में होगा। हमें पता है कि डोपिंग जो होगी इमीटर की वो वेरी हाई होगी और कलेक्टर की जो होगी वो मॉडरेट होगी, यानी कि थोड़ा उससे कम, और बेस की सबसे कम यानी कि लाइटली डोप्ड होगा। इसी तरीके से और इमीटर कहाँ पे है, ये पोर्शन है हमारा इमीटर, है ना, ये इमीटर का पोर्शन है। इसका मतलब है कि इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी, ये कलेक्टर का पोर्शन है तो इसकी डोपिंग जो है उससे थोड़ी कम होगी, और ये जो हमारा पोर्शन बीच वाला पोर्शन बेस का है तो इसकी जो डोपिंग होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, अब आते हैं एरिया वाइज। अब एरिया वाइज इमीटर लार्ज यानी कि मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा कलेक्टर से कम। सबसे बड़ा कौन सा है, कलेक्टर, यानी कलेक्टर का जो एरिया है, ये कलेक्टर का एरिया वो सबसे बड़ा है। ओके, और सबसे छोटा जो एरिया है स्मॉलेस्ट वो बेस का है, तो ये बेस का जो एरिया है हमारा वो काफ़ी कम है, छोटा एरिया है। ओके, अब आते हैं हमारे एनपीएन की तरफ, ये हमारे साथ में रहेगा ताकि देखने में आसानी हो। तो एनपीएन का मतलब है कि एन और दो एन के बीच में हमने पी को सैंडविच किया हुआ। ओके, तो इमीटर साइड में यानी कि इमीटर जो टर्मिनल होगा उसका, उसमें वो एन टाइप का होगा, कलेक्टर जो होगा वो एन टाइप का होगा और बेस जो होगा वो पी टाइप का होगा। अच्छा, इमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी इसमें। और कलेक्टर में डोपिंग मॉडरेट है यानी कि हाई है, तो इलेक्ट्रॉन से इमीटर से थोड़ी सी कम होगी। क्लियर है ना। अब बेस की तरफ आते हैं, तो बेस चूंकि पी टाइप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या न के बराबर, माइनॉरिटी चार्ज होंगे, माइनॉरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इसमें मेजोरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे, देख सकते हो होल्स से दिखा रखा आपने, लेकिन ये काफ़ी कम होंगे क्योंकि इनकी डोपिंग जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और इनका एरिया भी कम है। अब आते हैं ऊपर की तरफ, जो है यहाँ पे ई बी जे और सी बी जे लिखा हुआ है। तो एन और पी यानी कि ये एन और पी के बीच में जंक्शन क्रिएट होगा, यानी कि इमीटर और बेस के बीच में वो कहलाएगा इमीटर बेस जंक्शन, और फिर यहाँ पे बेस एंड कलेक्टर के बीच में जंक्शन जो क्रिएट होगा वो कहलाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो बैटरी हमने बायसिंग की है उसकी तरफ आते हैं। तो बायसिंग हमने इस तरीके से की है एक्टिव सीरीजन टाइप का कि इमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया है, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया है। कैसे, देखते हैं। इमीटर में, इमीटर का जो मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या लिया हमने, एन टाइप। एन टाइप को जनरली हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निगेटिव एंड अगर मैं यहाँ पे निगेटिव करूँगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट इमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस। ये माइनस, इमीटर को हम थोड़ी देर के लिए माइनस मानते हैं, तो माइनस और माइनस, और यहाँ पे पी जो है वो प्लस मानते हैं अगर हम, तो प्लस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस। तो इमीटर बेस जंक्शन हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ। ये पोर्शन यहाँ पे, ये बीच वाला बेस है, इधर वाला कलेक्टर है। तो बेस एंड कलेक्टर के बीच में बैटरी हमने अप्लाई किया है, यहाँ भी एन है, लास्ट में कलेक्टर साइड में एन है, मतलब निगेटिव, इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे बैटरी हमने क्या अप्लाई किया, पॉजिटिव, तो जहाँ अपोजिट बैटरी आ जाए वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या हो गया, वो रिवर्स बायस हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस, जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसकी जो विड्थ होगी वो काफ़ी रिड्यूस्ड होगी, कलेक्टर बेस जंक्शन की क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो इसकी विड्थ क्या होगी, वो काफ़ी बड़ी होगी। ये भी क्लियर है। ओके, अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। जब हम रिकॉल करें पीएन जंक्शन डायोड को तो क्या होगा, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे यानी कि माइनस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से जो इमीटर में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ जाएंगे, इधर बेस की तरफ यानी कि बीच वाले पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। तो जब ये इधर की तरफ मूव करेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमीटर करंट को बढ़ावा देगा, यानी कि इसकी वजह से जो करंट फ्लो होंगे वो इमीटर करंट होंगे।
तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट की तरफ है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में करंट का फ्लो होता है. तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो इमिटर करंट होगा और इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है, अब आते हैं बेस. मान लेते हैं कि 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकले, करीब करीब 100 इलेक्ट्रॉन के आसपास, एग्जांपल के लिए मानते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले. अब यहाँ पे एरिया काफ़ी कम है और डोपिंग भी इसकी काफ़ी कम है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू, यानी कि इस टर्मिनल के थ्रू या इस रूम के थ्रू जो पास कर पाएंगे वो बहुत ही कम पास कर पाएंगे, मान लेते हैं कि 10. ठीक है, रिमेनिंग 90 क्या होंगे? रिमेनिंग 90 इधर क्रॉस कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, करीब करीब 90 जो होंगे वो इधर क्रॉस कर जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि करीब सबसे इमिटर करंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो आईई की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. कुछ अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की तरफ मूव करेंगे इधर की तरफ, तो बेस करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू सबसे कम होगी. ठीक है, और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की तरफ, क्योंकि इसमें यहाँ से जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया है माइनस एंड प्लस, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जंक्शन को वो क्रॉस कर जाएंगे. दूसरी बात, यहाँ पे आपने प्लस अप्लाई किया है तो प्लस जो है वो इधर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर, वो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे? माइनॉरिटी चार्ज करिए, तो इसकी वजह से इसका रिपल्सन होगा. सिंपल वर्ड में ये समझिए कि यहाँ से जो 100 नंबर ऑफ अप्रॉक्स, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे रिपल्सन होके, इधर एरिया कम होने की वजह से और डोपिंग कम होने की वजह से काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जा पाएंगे, रिमेनिंग करीब करीब 90% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो इमीटर का होगा. इसके बाद सेकेंड, क्योंकि 90 जो है वो अप्रॉक्स सेकेंड लार्जेस्ट है, तो आईसी का फ्लो जो होगा वो सब उसके बाद बड़ा होगा. अच्छा, डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहेंगे तो करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट होगा, इसीलिए आईसी का डायरेक्शन देखो इधर रखा हुआ है और आईई का डायरेक्शन भी इधर की तरफ रखा हुआ है. बेस में इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बेस का जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि इमीटर करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये हमारा नोड मान लेते हैं कि नोड है, कलेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया और बेस का डायरेक्शन ये हो गया. तो जब मैं इस नोड पे मैं KCL अप्लाई करूँ, KCL, तो क्या होगा? ये दो, मतलब ये IE जो है वो आउटगोइंग है, यहाँ से IB इनकमिंग है और IC भी इनकमिंग है, तो टोटल जो करंट KCL बनेगा I इज इक्वल टू IC प्लस IB के बने बराबर बनेगा. क्लियर है? ओके, सो वर्किंग ऑफ NPN में दोबारा से इस चीज़ को जो हमने पढ़ा इसको रिपीट करते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन, ये इमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा. उसी हिसाब से हमने बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है, N साइड में माइनस की बैटरी और फिर रिवर्स बायस के लिए N साइड में इधर प्लस की बैटरी. ठीक है, अच्छा, जब ये सेकेंड लाइन में देखिए आप, क्योंकि डिप्लीशन ये इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो काफ़ी छोटी और स्मॉल हो जाएगी और कलेक्टर बेस जंक्शन की जो विड्थ हो जाएगी वो बड़ी लार्ज हो जाएगी. ओके, फॉरवर्ड बायस की वजह से, रिड्यूस विड्थ की वजह से इमीटर बेस जंक्शन में हेवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो डिफ्यूज होगा किधर? पी टाइप बेस की तरफ, यानी कि एन से पी की तरफ, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? इमीटर करंट यानी कि आई होगा, जो कि फ्यू मिली एम्पियर्स के अप्रॉक्स होगा. ठीक है, आई की तरह कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट. अब जब हमें पता है कि जो पी टाइप है दो एन टाइप के बीच में सैंडविच है, है ना, और ये वेरी थिन, इसका जो एरिया है वो काफ़ी पतला है, वेरी थिन एरिया है. ओके, तो और इसकी कंडक्टिविटी भी लो है, क्योंकि डोपिंग लो होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी, और इसमें काफ़ी, इस वजह से इसमें काफ़ी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ जो ये कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं, वो पास कर पाएंगे बेस टर्मिनल के थ्रू, और इस वजह से द अमाउंट ऑफ बेस करंट जो होगा वो काफ़ी कम होगा, यानी कि फ्यू माइक्रो एम्पियर्स में होंगे. ठीक है, ओके,
और रिमेनिंग लार्ज नंबर ऑफ दिस माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डिफ्यूज कर जाएंगे किधर की तरफ, कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ, और इस वजह से जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहलाएगा कलेक्टर करंट। ओके क्लियर। ओके सो इमिटर करंट हो गया, बेस करंट हो गया और कलेक्टर करंट हो गया। तो आप यहाँ पे उसी लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं कि सिंस वेरी फ्यू मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम इमीटर विल पास थ्रू द बेस टर्मिनल, रिमेनिंग विल क्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन, दस द कलेक्टर करंट इज लार्जर देन बेस करंट एंड रिलेशन बिटवीन दिस करंट इज गिवन बाई, जो शुरू में हमने आपको बताया था, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आई ई विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। ओके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, आई की वैल्यू करीब करीब आई सी के बराबर होगी। अप्रॉक्सीमेटली जैसे अगर ये 100 होगा तो करीब करीब 90 और समथिंग लाइक दैट। तो ये इक्वेशन, लेकिन आई और ये दोनों जो है करीब करीब मिली एम्पियर में फ्लो होंगे, जबकि आई बी जो होगा वो काफ़ी कम, एक तरीके से रिवर्स करंट टाइप का होगा, मतलब काफ़ी कम होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो होगी, आई बी की वैल्यू। ओके माइक्रो एम्पियर के आसपास। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम यहाँ पे, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है ना, ये इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने एन इमीटर को हमने माइनस से कनेक्ट किया हुआ है, कलेक्टर एन को हमने प्लस से कनेक्ट किया हुआ है, माइनस और माइनस की वजह से, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसका डिप्रेशन लेयर काफ़ी पतला हो जाएगा, इसका डिप्रेशन लेयर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेज़ी से पी की तरफ यानी कि बेस की तरफ जाएंगे, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहलाएगा आई ई करंट। बेस का एरिया काफ़ी कम है, डोपिंग भी काफ़ी कम है, इसलिए इस केस में रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी कम हो पाएगा और काफ़ी कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर बेस की तरफ पास कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो पाएगा बेस करंट वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। रिमेनिंग जो करीब करीब 90% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस कर जाएंगे इस ई बी जे जंक्शन को, क्योंकि उनके पास काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स यहाँ से ही हो रहा है, और यहाँ पे जो बैटरी लगा रखा है आपने पॉजिटिव बैटरी है, तो इनको जो है एक तरीके से अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो 90% जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो कलेक्टर की तरफ होंगे, रिमेनिंग करीब करीब 10% अप्रॉक्स जो है वो बेस की तरफ होंगे। तो ये जो 90% इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट कहलाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि ओनली वेरी फ्यू मेजोरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस की तरफ जाएंगे, रिमेनिंग किधर क्रॉस कर जाएंगे, कलेक्टर की तरफ, ठीक है। और इस वजह से जो करंट का इक्वेशन बनेगा वो आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा वो करीब करीब हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को कंप्लीट कर लिया है। ये जो पोर्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी कम जगह, बहुत कम बुक्स में या बहुत कम जगह आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये अगर आप बॉयस्टेड की बुक रेफर करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हमने शुरू में आप लोगों को बता रखा है कि एनपीएन या ट्रांजिस्टर का मतलब ये हो गया, बीजेटी का मतलब ये होगा बाई प्रोजेक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि करंट का फ्लो दोनों चार्ज करंट की वजह से होता है, मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से। तो अभी तक हमने जो करंट का फ्लो देखा है वो मेजोरिटी चार्ज करंट की वजह से देखा है। अभी एक टर्म्स यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं कि कलेक्टर करंट इज कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो देखिए इधर जो आईसी फ्लो हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो आगे की तरफ जो फ्लो हो रहे हैं वो आईसी, ये टोटल आईसी करंट है जो मेजोरिटी कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है। ओके नाउ माइनॉरिटी कैरियर्स कब होगा, तो माइनॉरिटी करंट कंपोनेंट इज कॉल्ड द लीकेज करंट एंड इट इज गिवन बाय द सिंबल आईसीओ। इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टर करंट विथ इमीटर टर्मिनल इज ओपन, अगर मैं इमीटर यानी कि इस बैटरी को हटा दूँ, अच्छा इसकी वजह से जो कलेक्टर करंट फ्लो होगा उस करंट को हम लोग आईसीओ करंट बोलेंगे या लीकेज करंट बोलेंगे, और इस आईसीओ को हम आईसीबीओ भी बोलते हैं। आईसीबीओ का मतलब कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। तो अब समझ में आया कि आईसीओ कब फ्लो होगा, आईसीओ तब फ्लो होगा जब हम इमीटर टर्मिनल को ओपन करेंगे और सिर्फ जो है वो कलेक्टर टर्मिनल में बैटरी रहने देंगे। ओके उसकी वजह से माइनॉरिटी करंट फ्लो होगी यानी कि लीकेज करंट फ्लो होगी और उसका नाम हम लोग देंगे आईसीओ या आईसीबीओ।
अब आते हैं, यानी कि टोटल जो आईसी करंट होगा वो किसके बराबर हो गया, आईसी मेजोरिटी प्लस आईसी माइनॉरिटी, यानी कि इसका नाम आईसीबीओ दे दिया हमने। ओके, यानी कि आईसी जो टोटल आईसी मेजर होगी वो करीब करीब मिली एम्पियर में मेजर होगी, जबकि आईसीओ जो है वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर के अप्रॉक्स फ्लो होगा। अब आईसीओ मैंने जैसे पहले भी आप लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है, तो जो पीएन जंक्शन डायोड में करीब करीब जो रिवर्स करंट फ्लो होती है, ये इस तरीके से ये रिवर्स करंट करीब करीब माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है वी आर और आई आर के बीच में, ध्यान पे होगा अगर, तो वी आर और आई आर के बीच में जो करीब उसी के करीब करीब ये इक्विवेलेंट है, उसी के जैसा ये आई सी ओ है, यानी कि आई सी ओ लाइक आई एस, यानी कि रिवर्स बायस डायोड में जो करंट फ्लो होती है। एंड ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है एंड मस्ट बी एग्जामिन केयरफुली व्हेन एप्लीकेशन ऑफ वाइड टेम्परेचर रेंजेज आर कंसिडर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इट कैन बी सीवियरली इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एट हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ नॉट कंसिडर प्रॉपरली। कह सकते हो कि जनरली ये जो पार्ट है आई सी एंड आई सी बी ओ या आई सी ओ, मेजोरिटी करंट एंड माइनॉरिटी करंट का कॉन्सेप्ट, वो हम जनरली हर केसेज में, काफ़ी कम केसेज में कंसिडर करते हैं, लेकिन हमें ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जब हम आगे टॉपिक में जाएंगे तो हमें वहाँ पे एक करंट इक्वेशन पूछा जाता है आपसे कि प्रूव दैट कि आई सी ई ओ की वैल्यू वन प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ के बराबर होती है, तो ये इक्वेशन वहाँ पे आपको ये काम आएगा और ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, करंट एन पी एन की वर्किंग जो है वो इसके पहले वाले जो हमने पार्ट एक्सप्लेन किया था आपको वहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये जो हिस्सा है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है जहाँ पे कि हम आईसी जो टोटल कलेक्टर करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आईसी मेजोरिटी प्लस आईसी माइनॉरिटी के बराबर, क्लियर। तो इस वजह से हम यहाँ पे टोटल आईसी करंट को आईसी मेजोरिटी प्लस आईसीबीओ से एक्सप्लेन करते हैं, होप इट इज़ क्लियर। और यहाँ पे जो ये डायग्राम आप देख रहे हो वो वही वर्किंग डायग्राम को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे कलेक्टर करंट आईसी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे कलेक्टर करंट आईसी इधर फ्लो हो रही है और बेस करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। इधर दो टर्मिनल यानी कि बैटरी हमने वीईई और वीसीसी लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये एन है तो यहाँ पे हमने कलेक्टर साइड में प्लस लगा रखा है और ये भी एन है यानी कि इमीटर साइड में हमने माइनस लगा रखा है, इसलिए ये जो पोर्शन होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में, और ये जो पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ के बीच में वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सॉरी ये जो पोर्शन होगा इमीटर और बेस के बीच में ये फॉरवर्ड बायस होगा और यहाँ से यहाँ के बीच में जो पोर्शन होगा वो रिवर्स बायस होगा, तो जो हमने पहले पढ़ रखा है वही है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वही आई ई जो होगी वो आई सी प्लस आई बी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि आई ई करंट जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, है ना, और आई सी करंट जो होगी वो उससे थोड़ी सी कम यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी, और आई बी जो करंट होगी वो सबसे कम यानी कि करीब करीब माइक्रो एम्पियर में फ्लो होगी। और ये करंट इक्वेशन दोनों केस में एन पी एन और पी एन पी दोनों केस में ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रखने के लिए या वेरीफाई करने के लिए ये इक्वेशन वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्लियर है। तो ये हमारा एनपीएन की कंप्लीट वर्किंग हो गई, एनपीएन ट्रांजिस्टर की। पीएनपी में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे बैटरी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा सारे करंट का, और यहाँ भी बैटरी अपोजिट हो जाएगी, ये एनपीएन जो है वो इधर की तरफ पीएनपी बन जाएगा, और यहाँ पे जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होल्स की वजह से होंगे, ओके क्लियर है। सो होप कि आपको ये एनपीएन की जो वर्किंग है वो समझ में आई होगी, और अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जस्ट यू कैन मेल मी और यू कैन कंटेक्ट इन एनी अदर वे। थैंक यू।